नमस्कार दोस्तों, प्रिया की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सेव टमाटर की सब्जी। मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर, यहाँ पे मैंने दो टमाटर बड़े कटे हुए लिए हैं, यहाँ पे प्याज लिया है, यहाँ पे हरा धनिया लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट, यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और जीरा लिया है मैंने, साबुत जीरा लिया है मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सेव लिए है, ये रतलामी सेव है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू कर देते हैं। देखो मैंने ऑयल है वो गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें ये जीरा डाल देंगे। जीरा है अच्छे से भुनना है हमें। अभी हम डालेंगे इसमें प्याज, ये बारीक कटा हुआ प्याज है वो मैं इसमें डाल दूंगी। दोस्तों ये देखो अभी प्याज है वो मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, अभी मैं इसमें हींग डालूंगी थोड़ा सा, ताकि डाइजेशन के लिए अच्छा हो जाए। हींग से क्या होता है, हमारा डाइजेशन है वो अच्छा हो जाता है। ये देखो अभी हमें प्याज को पूरा अच्छे से भून लेना है। दोस्तों यहाँ पे देखो प्याज है वो अच्छे से थोड़ा भून गया है, अभी हम इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अभी हम अच्छे से इसे भून के लेंगे। अभी क्या है, गर्मियाँ शुरू हो रही है, सब्जियाँ नहीं मिलती है, तो आप ये सब्जी घर पे अपने बना सकते हैं, जल्दी हो जाती है रेसिपी और स्वादिष्ट भी लगती है। आप इसे रोटी के साथ में, फुलके के साथ में खा सकते हैं। अभी हमें ये अच्छे से पूरा भून लेना है, पूरा उसका जो लहसुन का कच्चापन है वो पूरा अच्छे से हमें निकालना है। ये देखो अब जितना ज्यादा भूनेंगे ना उतना स्वाद अच्छा आएगा। अभी मैं इसे भून के ले रही हूँ अच्छे से। अभी हमें क्या करना है, ये सब हमने सूखे मसाले लिए थे वो इसमें डालने हैं। सूखे मसालों में हमने धनिया पाउडर, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर है वो लिया था। अभी मसालों के साथ में इसे अच्छे से भूनना है प्याज को। दोस्तों ये देखो हमारा प्याज और मसाला है वो अच्छे से भून गया है, ये देखो तेल भी छोड़ रहा है, मतलब ये अच्छे से भून चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मतलब भूनते हैं मसाला, तो जब आप भूनना शुरू करते हैं ना, तब है ना जो सूखे मसाले और प्याज है ना अपने आप ही पूरा तेल छोड़ना शुरू कर देते हैं। अभी हम इसमें ये टमाटर है वो डाल देंगे। ये देखो आवाज भी आ रही है। अभी टमाटर डाल के हमें अच्छे से इसे भून लेना है। ये देखो अभी हमें इसे अच्छे से भून लेना है। अभी
अभी मैं क्या करूँगी, टमाटर है वो अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद उसमें पानी मिलाऊंगी। पहले हम थोड़ा सा उसमें नमक डालते हैं। नमक है वो थोड़ा कम ही डालने का क्योंकि सेव में ऑलरेडी नमक रहता है। ये देखो अभी हमें पूरा इसको अच्छे से भूनना है टमाटर को और बाद में हम इसमें पानी डाल देंगे और ढक्कन लगा के रख देंगे। ये देखो दोस्तों, ये देखो टमाटर है वो भी अच्छे से तेल छोड़ रहे हैं। ये देखो अभी हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, बाद में बाकी पूरा बचा हुआ डालेंगे ताकि हमारे जो टमाटर है ना वो अच्छे से पक जाए। ये देखो टमाटर है वो अच्छे से पकने के लिए हमें उसमें पानी डालना है। ये देखो अभी हम थोड़ा सा इसमें शक्कर मिलाएंगे ताकि जो खाने का टेस्ट है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। ये देखो अब ये ग्रेवी को हमें पकने देना है धीमी आंच पे, बाद में हम बचा हुआ पानी भी डाल देंगे। दोस्तों ये देखो अभी मैं ढक्कन है वो अच्छे से निकाल रही हूँ। ये देखो पूरा तेल छूट गया है, हमारी ग्रेवी है वो रेडी है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे अच्छे से। टमाटर भी अच्छे से देखो पक गए हैं, ये देखो स्मैश हो रहे हैं, मतलब हमारे टमाटर है पूरे पक गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे। पानी इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि बाद में हमें इसमें जो हमारे सेव है वो छोड़ना है। ये देखो थोड़ा पतला ही रखना है क्योंकि सेव है ना उससे पूरा मतलब पानी सोख लेती है। ये देखो मैं और डाल रही हूँ थोड़ा पानी, जितनी आपकी सेव है ना उस हिसाब से आपको इसमें पानी डालना है। और अभी इसे अच्छे से उबाल लेना है, अभी मैं रुकूंगी क्योंकि इसे उबाल आना चाहिए ना इसलिए। दोस्तों ये देखो पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है और पूरा तेल भी अच्छे से छूट गया है। आप ये कम तेल में बना सकते हैं। अभी मैं इसमें ये रतनामी सेव है वो डाल दूंगी। अभी हमें क्या करना है, इसे थोड़ा देर ऐसे ही रखना है ढक्कन लगा के। ये देखो अभी मैं थोड़ा ढक्कन लगा के ऐसे ही इसको रख दूंगी पकने के लिए। दोस्तों ये देखो हमारी सेव है वो भी अच्छे से पक गई है। अभी मैं गैस की फ्लेम में बंद कर दूंगी। मैं इतना ही इसमें पानी रखूंगी क्योंकि बाद में ना पूरा सेव है ना पूरा पानी सोख लेती है और गाढ़ी हो जाती है, तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी रख दूंगी। अभी हम इसे सर्व कर लेंगे। दोस्तों अभी हम ये सर्व कर लेते हैं। ये देखो ये पाव के साथ भी अच्छी लगती है, चाहिए तो आप पाव के साथ भी खा सकते हैं।
अगर आपको रोटी पसंद नहीं है तभी। अभी हमारे सेव टमाटर की सब्जी हमने यहाँ पे परोस दी है। अभी हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। ये देखो हमारी सेव टमाटर की सब्जी अभी रेडी है खाने के लिए। इसमें थोड़ा सा खाते समय नींबू भी डाल सकते हैं और ज़्यादा फ्लेवर आएगा आपके सब्जी को। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ओके, प्रिया की पाठशाला को। अगर आपको लाइक लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।